गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी अपनी पर्यावरण की किताब निकाल लीजिए। इसमें पेज नंबर 68 पार्ट 16 का नाम है शिष्टाचार। निकाल लीजिए। सबसे पहले हम इस पाठ का परिचय पढ़ेंगे। हमारे जीवन में शिष्टाचार का महत्व। इस पाठ में हम शिष्टाचार का क्या महत्व है इसके बारे में पढ़ेंगे। हमारे जीवन में शिष्टाचार का बड़ा महत्व है। जिस व्यक्ति में शिष्टाचार नहीं होता उसे असभ्य माना जाता है। शिष्टाचार का अर्थ यह होता है कि हमें सभी के साथ अच्छा व्यवहार रखना चाहिए। शिष्टाचार का मीन्स है अच्छा व्यवहार। जिस व्यक्ति में शिष्टाचार नहीं होता उसे असभ्य माना जाता है। हमारे जीवन में शिष्टाचार का बहुत महत्व है और जिस व्यक्ति के अंदर शिष्टाचार नहीं होता है उसे असभ्य माना जाता है। जिस व्यक्ति में शिष्टाचार होता है उसे सभ्य माना जाता है और जो व्यक्ति शिष्टाचार से व्यवहार करता है उसे सभ्य माना जाता है। अशिष्ट व्यक्ति को कोई पसंद नहीं करता, शिष्ट व्यक्ति को सभी पसंद करते हैं। हम सभी को शिष्ट होना चाहिए। हम शिष्टाचार घर और स्कूल दोनों जगह सीखते हैं। जो व्यक्ति अशिष्ट होता है उसको कोई भी पसंद नहीं करता और जो अच्छे होते हैं, शिष्ट होते हैं, उनको सभी लोग पसंद करते हैं और इसीलिए हम सभी को शिष्ट होना आवश्यक है। शिष्टाचार हम घर और स्कूल दोनों जगह पर ही सीखते हैं। हमें अपने अध्यापकों का सम्मान करना चाहिए। शिष्ट बच्चे जोर जोर से बातें नहीं करते, वे दूसरों पर कभी नहीं चिल्लाते, वे दूसरे बच्चों या आदमियों की हंसी नहीं उड़ाते, वे कभी किसी की बुराई नहीं करते। शिष्ट व्यक्तियों में क्या क्या गुण होने चाहिए, देखिए। हमें सबसे पहले अपने अध्यापकों का या अपने बड़ों का सम्मान करना चाहिए। जोर जोर से बातें नहीं करनी चाहिए, धीरे बोलना चाहिए, कभी भी किसी पर चिल्लाना नहीं चाहिए, आराम से बात करनी चाहिए और जो दूसरे व्यक्तियों की कभी भी मजाक या हंसी नहीं उड़ानी चाहिए और कभी भी किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए। अब आप दूसरे पेज पर आ जाइए। वे बातचीत में कृपया और धन्यवाद शब्दों का प्रयोग करते हैं। जो शिष्ट व्यक्ति होते हैं वे हमेशा बातचीत करते समय कृपया और धन्यवाद शब्दों का प्रयोग करते हैं। यदि उन्हें दूसरों से कोई वस्तु चाहिए तो वह कृपया शब्द का प्रयोग करते हैं और जब उन्हें वो वस्तु मिल जाती है तो वे धन्यवाद कहते हैं। हमेशा कोई वस्तु किसी से लेते हैं तो उसे कृपया करके मांगना चाहिए और उसके बाद जब वह वस्तु आपको दे देता है तो उसे धन्यवाद बोलना चाहिए। यदि उनसे कोई गलती हो जाती है तो माफ़ी मांगते हैं और यदि शिष्ट व्यक्तियों से कोई गलती हो जाती है तो उसके लिए माफ़ी भी मांगते हैं। शिष्ट बच्चे अपने बड़ों से बहस नहीं करते हैं, वे सबके साथ नम्रतापूर्वक और धीरे से बात करते हैं। यदि उन्हें कोई बात पसंद नहीं आती तो वे चुप रहते हैं। शिष्ट बच्चे कड़वा सच नहीं कहते, वे दूसरों की बात को ध्यान से सुनते हैं। जो शिष्ट बच्चे होते हैं वो कभी भी बड़ों से बहस नहीं करते हैं, सबके साथ आराम से बात करते हैं और धीरे बात करते हैं और उन्हें जो बात पसंद नहीं आती है उसके बीच में वो कभी भी नहीं बोलते, वे हमेशा चुप रहते हैं और कभी भी झूठ नहीं बोलते हैं और दूसरों की बात को वो ध्यान से सुनते हैं। इस पाठ में हमने शिष्टाचार के बारे में पढ़ा है। इस पाठ को आप दोबारा से पढ़िए और समझिए।